का मन कर रहा है बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाए। मीठा भी है होना चाहिए और ऐसा भी कि जिससे हमारे डाइट भी ना चीट हो। तो चलिए आज बनाते हैं कुछ ऐसा मीठा जिससे हमारी डाइट चीट भी नहीं होगी और आपकी जो मीठे की क्रेविंग्स है वो भी ठीक होंगी। तो आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी केक। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल ले रहे हैं और बोल में मैं ले रही हूँ ग्रीक योगर्ट। मैंने यहाँ पे नेचुरल ग्रीक योगर्ट लिया है। आप चाहो तो इसको फ्लेवर्ड भी ले सकते हो, इसमें कई सारे फ्लेवर्स आते हैं। ग्रीक योगर्ट मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि ग्रीक योगर्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है और क्योंकि हम यहाँ पे फिटनेस वाला कुछ मीठा बना रहे हैं तो इसलिए हमारे लिए ये बेस्ट है। तो ये मैं पूरा कंटेनर जो है वो एम्प्टी कर लूँगी। वैसे ग्रीक योगर्ट कई सारे फ्लेवर्स में आते हैं, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वो फ्लेवर ले सकते हो। यहाँ मैंने नेचुरल ग्रीक योगर्ट लिया है। आप चाहो तो इसके साथ स्ट्रॉबेरी ग्रीक योगर्ट भी ले सकते हो। जितना नेचुरल रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट? तो ये मैंने पूरा अपना ग्रीक योगर्ट ले लिया है। इसको हम एक बार जो है वो ज़रूर स्टर करेंगे बिकॉज़ इसमें लम्ब्स ना पड़े। आप देख रहे होंगे कि अभी ये हल्का हल्का इसमें लम्ब्स है बट एक दो बार इसको आप चला लोगे तो इसमें ये लम्ब्स भी ख़त्म हो जाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम स्ट्रॉबेरी के पीसेस। मैंने स्ट्रॉबेरी के पीसेस बड़े बड़े कट किए हैं क्योंकि मैं चाहती थी कि जब भी मैं इस योगर्ट को खाऊं, जब भी मैं स्ट्रॉबेरी केक को खाऊं तो मेरे मुंह में ये स्ट्रॉबेरीज़ आएँ। तो इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरीज़ के बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। यहाँ मैंने चार स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं क्योंकि मेरे पास चार बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरीज़ थी तो मैंने अपनी स्ट्रॉबेरीज़ चार ली। अगर आप चाहो आप और ले सकते हो या अगर आप कम लेना चाहो तो कम ले सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो हमारा स्ट्रॉबेरी केक रेडी है बट इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें हम ग्रैन्यूल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं ग्रैन्यूल्स जिसको मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। ग्रैन्यूल्स को स्प्रिंकल करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि इससे आपके इस स्ट्रॉबेरी केक का जो टेस्ट है वो और डबल हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें सीड्स भी ऐड कर सकते हो जैसे फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स या मिक्स्ड बेरीज, आप जो चाहो इसमें ऐड कर सकते हो। मैं थोड़ी सी इसमें फ्लैक्स सीड्स भी ऐड करूंगी। और ये मेरा स्ट्रॉबेरी केक रेडी है सर्व करने के लिए। तो अगर आपका भी मन है मीठा खाने का और आपका भी मन है कुछ नो चीट वाली डाइट लेने का तो ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा ये स्ट्रॉबेरी केक।